बंगाल की बेटी को कब तक मिलेगा इंसाफ? रेप मर्डर केस में सीबीआई ने बंगाल पुलिस पर क्या बड़ा आरोप लगाया? 9 अगस्त की रात फोन पर दो अधिकारियों में क्या बात हुई? कोलकाता रेप मर्डर केस को सीबीआई लीड कर रही है। इससे पहले तकरीबन 40 दिन से हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स की कई मांगों पर ममता सरकार सहमति बना चुकी है, लेकिन केस सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में है, केस सुप्रीम कोर्ट में है। बंगाल सरकार और सीबीआई कोर्ट के सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन केस की उलझती गुत्थी में सबूतों को खत्म करने का शक आम जनता को था। सीबीआई की पूछताछ के बाद अब ये शक आरोपों में बदल गया है। सीबीआई ने बंगाल पुलिस पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया है। बंगाल सरकार पर सीबीआई ने क्या आरोप लगाए हैं? सीबीआई ने पुलिस पर आरोप लगाया कि ताला थाने में झूठे रिकॉर्ड बनाए गए, ताला थाने में असल रिकॉर्ड बदला गया। रेप मर्डर की घटना वाले दिन यानी 9 अगस्त को थाना प्रभारी अभिजीत मंडल और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की फोन पर कई बार बात हुई। फिलहाल ताला थाने के प्रभारी अभिजीत मंडल और आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई की कस्टडी में है। दोनों से पूछताछ के बाद सीबीआई ने पुलिस पर यह आरोप लगाए हैं। मंडल की गिरफ्तारी 14 सितंबर को की गई थी। एक दिन बाद यानी 15 सितंबर को घोष को हिरासत में लिया गया था। बंगाल के इस मामले ने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया था। देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। बंगाल में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफे की मांग कर दी। उन्होंने कहा अभी रिपोर्ट में साफ होने लगा है। उस फॉरवर्डिंग में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीधा खुलासा कर दिया है, ये पुलिस कलकत्ता पुलिस डिस्ट्रॉयड ऑल द एविडेंस। पुलिस का पार्ट में सीधा सीधा लेकुना है, गलती पुलिस ने किया है, कलकत्ता पुलिस, और उनके लिए जिम्मेदार है बंगाल का होम मिनिस्टर, सी इज द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो। सीबीआई की अपील के बाद बंगाल की सियालदह कोर्ट ने 30 सितंबर तक दोनों आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। कोर्ट ने कहा ये कोई जादू नहीं है, सबूत जुटाने में समय लगता है। बीते 17 सितंबर को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में केस की स्टेटस रिपोर्ट सौंप चुकी है। सीबीआई ने जिस तरह से पुलिस पर आरोप लगाए हैं, इससे बंगाल रेप मर्डर केस की गुत्थी में नया ट्विस्ट आ सकता है। सवाल उमड़ने लगे हैं, क्या सच में 9 अगस्त की रेप मर्डर घटना के बाद आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल और थाना प्रभारी के बीच सबूत नष्ट करने की कोई बातचीत हुई? क्या पोस्टमार्टम में कोई गड़बड़ी हुई? क्या रेप मर्डर पीड़िता के शव को जल्दी खत्म करा दिया गया? हालांकि बंगाल की बेटी के परिजन पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि उन्हें केस को शांत करने के लिए पैसा ऑफर हो चुका है। कौन हैं ये लोग? इनका काला चिट्ठा सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पूरी होते ही सामने आ जाएगा। हमारी पैनी नजर कोलकाता रेप मर्डर की सीबीआई जांच पर बनी हुई है। देखते रहिए जनसत्ता।